नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पूरब ने थामा थपकी का हाथ तो इमोशनल हो गई थपकी। रोक लिया थपकी को घर से बाहर जाने से पूरब ने। वेल, आप सबने देखा कि कैसे हंसिका की हरकतों की वजह से थपकी और उसके भाई के ऊपर इल्जाम लगा पूरब की बहन सरगम को भगाने का। लेकिन थपकी और उसके भाई को पता है कि उनका इरादा बिल्कुल सही था और वो सरगम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई नहीं सुनता उन दोनों की बात। थपकी भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कहीं ना कहीं से पूरब को थपकी पर यकीन है। तभी तो देखिए ना, जब वीणा देवी थपकी को घर से बाहर निकाल रही होती है तो आप देख सकते हैं पूरब तुरंत हाथ पकड़ कर थपकी को रोकता है और कहता है कि थपकी कोई घर का पुराना सामान नहीं जिसे घर से बाहर फेंक दिया जाए, वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है थपकी। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरब उसके लिए स्टैंड लेता है वो देखकर हमेशा ही इमोशनल हो जाती है। एक बार फिर से वो बहुत इमोशनल हुई और ये सुनकर एक बार फिर से वीणा देवी शॉक्ड हो गई। तो वहीं पर हंसिका का सारा प्लान लगता है चौपट हो गया है, और ये सुनकर हंसिका बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि हंसिका का सारा प्लान यही था कि थपकी को घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन शायद हंसिका भूल गई है कि पूरब भी अब थपकी से प्यार करने लगा है। थपकी की छोटी छोटी चीज़ें पूरब को अच्छी लगती हैं, और कहीं ना कहीं से पूरब अच्छी तरह से जानता है कि थपकी कुछ भी गलत नहीं करती है। थपकी बहुत ही नेक दिल की, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट लड़की है, ये बात पूरब को पता चल चुका है। और तभी पूरब कभी भी थपकी पर कुछ भी गलत आरोप नहीं लगाता जब तक कि सारी सच्चाई पता ना हो। उसके ऊपर सभी ने भले ही इल्ज़ाम लगाया हो, लेकिन पूरब को पता है थपकी हमेशा ही सच बोलती है, और यहाँ पर वो इसी वजह से थपकी का साथ देता नज़र आ रहा है। ये सब देखकर थपकी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहती है कि पूरब उसे समझे, उसे प्यार करे। तो अब लगता है पूरब का प्यार इतना मजबूत हो चुका है कि वो थपकी पर बिल्कुल भी शक नहीं करता। फिलहाल आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि थपकी और पूरब का प्यार किस तरीके से मजबूत होता दिख रहा है, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो उसे कैसे दूर करते हैं थपकी और पूरब मिलकर। इस वीडियो में बस इतना ही।